सुनिए, पहले के पुरनिया अनपढ़ रहलन, पहले के पुरनिया अनपढ़ रहलन, पर मान सम्मान पे लड़त रहें, और दो चार लोग रहें पढ़ल लिखल, कई गांव के चिट्ठी पढ़त रहे। धीरे धीरे हर गंगे में, धीरे धीरे हर गंगे में खंभा पर टेलीफोन गयल, और पीसीओ से मनई बतियावे डखाना एकदम सुन है। ई पढ़े लिखे वाले लड़कन के, पढ़े लिखे वाले लड़कन के नाइकी स्टाइल खाए गई, और बेटवा बाप महतारी घर में बिटियो मोबाइल पाए गई। अब घरे घरे घंटी बाजे, घरे घरे घंटी बाजे, गाना मोबाइल वे गावत बाय, और घर भर के परिवार लपट के 24 घंटा बतियावत बाय। बेटवा कहे हेलो बाबूजी, बेटवा कहे हेलो बाबूजी, परदेश में अपना पड़ता है, और जितना कमाई लो उसे ढेर हमारे मोबाइल में खर्चा। अब बाजे लगल ब्लाउज में, अब बाजे लगल ब्लाउज में हाथ डार के टोवैली, कबो हंसाई कबो रोवैली, पुरखन का इज्जत धोवैली, और ही कर जवे पर रख के सोवैली। आजकल के नईकी पीढ़ी, आजकल के नईकी पीढ़ी हम हन का समझा गुरु हो गई, और यहर मोबाइल वहर मोबाइल प्रेम कहानी शुरू हो गई। पढ़ाई लिखाई से मतलब ना, पढ़ाई लिखाई से मतलब ना, दिन भर मिसकलवे मारे लाए, अब ओकरे मोबाइल में पैसा अपने घरे से डाले लाए। काम न कौनो धंधा बाय, काम न कौनो धंधा बाय, आवारा बन के घूम लाए, अब यहर वहर से दोनों जने मोबाइल वे पकड़ के चूम लाए, यहर बार से दोनों जने मोबाइल वैसा करके चुम्बे लें, तो नक्सलवाद आतंकवाद के तुरंत मोबाइल खबर दे बा, लूट छिनैती यौ डकैती यही मोबाइल से मर्डर होत बा। तो भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल के ख्याल करा, और गलत मोबाइल आपन मत गुलाब इस्तेमाल करा। जय जय भारत।